हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स और आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बात करेंगे पंचायत सेक्रेटरी टाइप टेस्ट का। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड पंचायत सचिव परीक्षा दे चुके 26,000 अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड लेने के लिए राजी हो गया है। हिमाचल विश्वविद्यालय ने पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा लेने के बाद संबंधित विभाग को पूरा रिकॉर्ड ले जाने को कहा था। लिखित परीक्षा के बाद पंचायत सचिव पदों की भर्ती के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड अब अभ्यर्थियों का टाइप टेस्ट लेगा। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। उल्लेखनीय है कि लिखित परीक्षा लेने के बाद हिमाचल विश्वविद्यालय ने पूरा रिकॉर्ड विभाग को ले जाने के लिए कह दिया था। विभाग इस रिकॉर्ड को अपने पास नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि उसके पास टाइप टेस्ट लेने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस कारण ये मामला मुख्यमंत्री कार्यालय के पास भेजा गया था कि टाइप टेस्ट का काम तकनीकी शिक्षा विभाग से करवाया जाए। सरकार के पास मामला जाने के बाद तकनीकी शिक्षा विभाग पंचायत सचिवों की परीक्षा पास किए अभ्यर्थियों का टाइप टेस्ट लेने को मान गया है। एक पद के पीछे 3 उम्मीदवारों को टाइप टेस्ट के लिए बुलाया जाना है। राज्य के पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा कहते हैं कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड पंचायत सचिवों का टाइप टेस्ट लेने के लिए राजी हो गया है। ये टेस्ट कब से शुरू होंगे ये तारीख शीघ्र तय होगी। चलिए अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो वित्त विभाग जाएगा UGC पे स्केल का मामला। प्रदेश के 128 कॉलेजों में पिछले कई दिनों से चली आ रही शिक्षकों की हड़ताल अब थम जाएगी। कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइंट कमेटी ने रविवार को ओक ओवर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान UGC पे स्केल पर अहम चर्चा की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को वित्त विभाग में भेजा जाएगा और उसके बाद इस मामले को कैबिनेट में ले जाया जाएगा। अब कर्मचारियों ने फैसला लिया है कि कर्मचारी हड़ताल नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर यूनियन के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर RL शर्मा ने बताया कि उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही UGC पे स्केल को लागू कर दिया जाएगा। गौर रहे कि देश के 28 राज्यों में UGC वेतनमान लागू किया जा चुका है। UGC पे स्केल को लेकर संघर्षरत प्रदेश विश्वविद्यालय और कॉलेजों के शिक्षकों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आश्वासन देते हुए कहा कि कैबिनेट की आगामी बैठक में इस बाबत फैसला लिया जाएगा। कॉलेज शिक्षकों की अन्य मांगों को हल करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। तो आउटसोर्स पॉलिसी की तय हो डेडलाइन, इस बार अपनाई टालमटोल की नीति तो करेंगे आंदोलन। दोस्तों, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बन रही पॉलिसी पर अभी तक कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। पॉलिसी बनेगी या नहीं, बनेगी तो कब तक बनेगी। ऐसे में अब आउटसोर्स कर्मचारी सरकार की टालमटोल की नीति से काफ़ी परेशान हो गए हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार को चेताया है कि सरकार जल्द से जल्द कर्मचारियों के लिए पॉलिसी की डेडलाइन तय करे। एक निश्चित समय अवधि के भीतर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाई जाए। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने चेताया कि अगर सरकार डेडलाइन तय नहीं करती है या टालमटोल की नीति अपनाती है तो फिर आउटसोर्स कर्मचारियों को मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उनका कहना है कि महासंघ द्वारा कई बार अंतिम तिथि बताने की बात कही गई है, किंतु कैबिनेट सब कमेटी के सदस्यों की बैठक और निर्णय के बिना सरकार कोई भी तारीख अभी तक नहीं दे पाई है। ऐसे में अब समस्त जिलाध्यक्षों एवं प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का दौर चल रहा है, जिसमें संगठन के कुछ कार्यों को शीघ्र निपटाया जा रहा है और आगामी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। अब देखना ये होगा कि महासंघ आंदोलन की राह अख्तियार करता है या कोई और रास्ता अपनाता है। यदि आंदोलन की राह पर भी संघ को जाना होगा तो एक बार कैबिनेट सब कमेटी से या मुख्यमंत्री से मिलकर जवाब लेना जरूरी है और केंद्रीय मंत्रियों के दौरों के उपरांत महासंघ इसी ओर अग्रसर है। आंदोलन महासंघ की मजबूरी भी हो सकता है। जिस तरह से आज कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, किंतु कुछ भी कदम लेने से पहले महासंघ सरकार के साथ एक बार वार्ता जरूर करेगा। महासंघ का कहना है कि सरकार अगर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए इसी कार्यकाल में पॉलिसी बना देती है तो ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।
और इसके लिए आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा सरकार को संपूर्ण सहयोग दिया जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनावों में भी आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा सरकार को चुनावी लाभ प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ चल रहा है आउटसोर्स कर्मचारियों की नीति को लेकर, तो देखते हैं कि सरकार इन कर्मचारियों के लिए किस प्रकार की नीति बनाती है या नहीं बनाती है, वो फ्यूचर में पता चलेगा। तो दोस्तों, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।